नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने इस गाड़ी को तो कई बार देखा होगा रोड पे, इसको बल्कर कहते हैं। और ये क्या होता है बल्कर और ये कैसे काम करता है, चलिए बताता हूँ आपको इस वीडियो में। दोस्तों, ये बल्क होता है, ये इंग्लिश का अपना वर्ड है। एक बल्क का मतलब होता है थोक या अधिक मात्रा, और बल्कर मतलब हो गया या बल्क में लेके जाने वाला, तो इसीलिए इसको बल्कर कहते हैं। और ये किस काम आता है दोस्तों, ज़्यादातर ये काम आता है ये सीमेंट, फ्लाई ऐश, ये सब जो ऐसी चीज़ें हैं पाउडर के जैसी, इनको ट्रांसपोर्टेशन के काम में ये आता है। और जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं दोस्तों, इनमें जो बिजली बनाने के लिए हजारों टन कोयला जलाना पड़ता है, और वो जो कोयला जलता है दोस्तों, उसकी जो राख होती है उसी को फ्लाई ऐश कहा जाता है। और उस फ्लाई ऐश को जो है कई काम में अपना लिया जाता है, जैसे ईंट बनाने के काम में, सीमेंट बनाने के काम में, और ये लैंड फिलिंग के काम में भी आता है। और भी बहुत से इसके काम हैं, पर ज़्यादातर ये मुख्य तीन काम में इसको लिया जाता है। और जो फ्लाई ऐश होती है, इनको बल्कर में लोड करके इनको जो है सीमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद में जब सीमेंट बन जाता है तो फिर बल्कर में ही लोड करके इसको जो है जो कंक्रीट मिक्सिंग जो प्लांट होते हैं वहाँ तक इसको पहुँचाया जाता है। इतना ही जो काम है बल्कर का काम है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इसका जो काम है सीमेंट लेके जाना या फ्लाई ऐश लेके जाना, इस काम को तो ट्रक और टिपर वगैरह भी कर सकते हैं, तो इसके लिए यही क्यों ज़रूरी, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब इसमें इसको सीमेंट प्लांट में या फ्लाई ऐश में वहाँ पर लोड किया जाता है, उसके बाद इसको ले जाया जाता है मिक्सर प्लांट या सीमेंट प्लांट में, तो वहाँ पर एक मशीन होती है जिसमें ब्लोअर लगा होता है, वो इसको इसमें कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसमें हवा जो है प्रेशराइज्ड हवा इसमें पुश की जाती है, और दूसरी तरफ से इसका जो सारा मटेरियल खींच के वहाँ जो बने बड़े बड़े साइलो होते हैं उसमें पंप कर दिया जाता है। और कुछ बल्कर ऐसे भी होते हैं जिसमें ये ब्लोअर है फिट होता है, इनबिल्ट होता है, तो वो अपना काम खुद ही कर लेता है। इसका जो टैंक जैसा शेप है जो बीच में से झुका होता है, वो इसलिए झुका होता है कि ताकि जो सीमेंट है वो सारा एक जगह यहाँ सेंटर में आ सके, वो अपना यहाँ ढलान होती है और सारा वो स्लिप करके यहाँ नीचे आता है। यहाँ से उसको जो ब्लोअर को सारा माल खींचने में आसानी होती है, फिर इसमें ज़रा सा भी मटेरियल जो है बचता नहीं है, वो सारा खींच के अपना पंप कर सकता है। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके फ़ायदे और नुकसान। नुकसान तो इसका बहुत कम है, फ़ायदे ही हैं ज़्यादा। देखिए, सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि सीमेंट के जो बैग होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है, मान लीजिए एक बल्कर है 50 मेट्रिक टन का, अब उसमें अगर सीमेंट बैग में ले के आना पड़ता तो 1000 बैग लगते। मान लीजिए अगर 15 अपना रुपये भी बैग की कीमत है, तो 15000 रुपये उसकी जो है कॉस्ट जो है बच जा रही है बल्कर के कारण। दूसरा फायदा इसका दोस्तों ये है कि इसमें टाइम की बहुत बचत होती है। जैसे ट्रक वालों जो ड्राइवर है, जो हेल्पर है, जो दूसरे ट्रक है, उसमें रस्सा तिरपाल करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सीमेंट आप जानते हैं इसको बारिश से बचाना बहुत ज़रूरी है, और रस्सा तिरपाल का काफ़ी समय बचता है। तीसरा जो कारण है इसमें, जो लोडिंग और अनलोडिंग का जो लेबर से जो हम लोग करवाते हैं लोड या अनलोड, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, कई बार तो 6-6 घंटे भी अनलोड करने में लग जाते हैं, 8 घंटे भी लग जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि 1.5 से 2 घंटे में 50 मेट्रिक टन जो है सीमेंट को खाली किया जा सकता है, बहुत टाइम की बचत है। चौथी जो बचत है, लेबर की कॉस्ट बचती है, क्योंकि इसमें लेबर नहीं लगती, एक ही आदमी है जो इसको कनेक्ट करेगा वो, और सारा माल जो है खाली कर देगा, उसको सिर्फ अपनी जो ये मशीन होती है इसको ऑपरेट करना है। और चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें जो है मटेरियल सेफ़ रहता है, कोई रस्सा तिरपाल जा नहीं करना पड़ता है, कोई बारिश की जो किसी भी मौसम की इसमें मार नहीं पड़ती है। कभी बाई चांस अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, पलट भी जाए, तो इसमें जो माल है मटेरियल है वो बिल्कुल सेफ़ रहता है। तो दोस्तों, ये तो इतने इसके फ़ायदे थे। अब आप कहेंगे एक आध नुकसान भी होना चाहिए, ज़रूर है इसका नुकसान। देखिए, सबसे बड़ा एक ही नुकसान है कि ये जो बल्कर है, ये बल्कर ट्रक है, सिर्फ 2-3 तरह के ही काम कर सकता है, सीमेंट, फ्लाई ऐश या ऐसा ही कोई एक आध पाउडर वगैरह, ये इसी को ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, और किसी काम में इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।